हाय दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है अगर आप YouTube पर एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो और YouTube चलाना चाहते हो और Instagram पे वीडियोस बनाना चाहते हो। पर ये स्पेशली वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट वीडियो कैसे बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट करते हैं, शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। इन तीनों चीजों का कनेक्शन है आपके मिलियन ऑफ व्यूज आने में। पिछले साल की बात है, मैं पूरे भारत देश में टॉप शॉर्ट क्रिएटर था, टॉप 10 में। मतलब सोच सकते हो कितने लोग हैं हमारे देश में, और उनमें से सिर्फ 10 लोग चुने गए और उस 10 में से मैं था। एक साल के अंदर बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हुए, मतलब अभी 10 मिलियन मेरे यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पे 12 मिलियन है, और ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना के हैं। महीने के बहुत अच्छे पैसे आ जाते हैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना के। तो आज मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे अपनी शॉर्ट वीडियो एडिट करता हूं, कैसे शूट करता हूं और कैसे मैं अपलोड करता हूं, SEO करता हूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कुछ तरीके, हैशटैग वगैरह, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो स्क्रीन पे मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं वहां पे चला रहा हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल खोलेंगे, YouTube चैनल अगर सर्च में जाएंगे और लिखेंगे शिवम मलिक व्लॉग्स, तो इस पर क्लिक करते हैं तो मेरा व्लॉग चैनल खुल गया। तो अगर आप यहाँ पे वीडियोस में जाओगे तो लंबी वीडियोस हैं सामने, तो 26,000, 47,000, 10,000, 40,000, 48, मतलब ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। पर अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ पर जाके पॉपुलर पर क्लिक करोगे 8.5 मिलियन, मतलब देख सकते हो कितने बड़ा नंबर है। तो आजकल जो जमाना है ना, मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 20-20 मिनट तक व्लॉग देख रहा है, उसकी जनता लगे, पर इसकी जनता ज़्यादा है। शॉर्ट वीडियो की मतलब डिमांड ज़्यादा है। अगर ये जो मिनी व्लॉग्स होते हैं, शॉर्ट व्लॉग्स होते हैं, ये बहुत भयंकर चलते हैं, शॉर्ट वीडियो बहुत भयंकर चलता है। अगर आप जैसे व्लॉगिंग आपको पसंद है, तो लंबी वीडियो की व्लॉगिंग कभी भी मत करना। व्लॉगिंग सबसे आसान है, पूरा सुबह शाम तक अपना दिखाना, पर मुश्किल भी है डेली वो चीज़ करना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यही ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ में ही करना। तो शॉर्ट वीडियो में कैसे शूट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगर ये 8.5 मिलियन वाली खोलोगे आप मेरी, ये देख रहे हो आप, ऊपर से लोग अपना फ़ोन फेंक रहे हैं और मैं नीचे कैच कर रहा हूँ। मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ पे इन्होंने मेरे बहुत चाहने वाले लोग मिले थे और वहाँ पे हमने फोटोज़ क्लिक करी थी। ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे से ऐसे फ़ोटो क्लिक करी, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। सबसे मिला था, नीचे नीचे बात हुई थी, नीचे से ऊपर तक। ऊपर जाने का रास्ता मुझे पता नहीं था और मैं सिर्फ यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए था, इसलिए जल्दबाजी में ये चीज़ हो पाई। बाकी ये मैंने व्लॉग बनाया, ये मैंने दिखाया कि मैं आज अपनी बहन के घर जा रहा हूँ और रक्षाबंधन वाला दिन था, ऐसे ऐसे राखी बनाऊंगा। ये पूरी की पूरी वीडियो देखे आप, मैंने कैसे दिखाया, गाड़ी खोली, चॉकलेट्स दिखाई, समोसे तलते हुए दिखाए, मतलब 3-3 सेकंड का शॉट ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। गेट दिखाया, गेट खुला, टन टन करा, चाय आ गई, चाय दिखाई, बहन बैठी है साइड में, टिक्का लगाया, उसके बाद राखी बांध दी। ये मतलब 2-2 सेकंड के शॉट्स हैं। मैंने उसको मिठाई खिलाई, पूरा दिन का मैंने 2-2 सेकंड करके पूरी 1 मिनट की वीडियो बना दी। फिर मैंने उसे गिफ्ट दिए, राखी बंध गई, और इसके अंदर पीछे से वॉइस ओवर कर रखा है मैंने, वो बताऊंगा वो मैं कैसे करना है। उसके बाद मैं चल दिया, उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर मिला, उसे मैंने दिखा दिया। और बहुत ईजी है वाले व्लॉग बनाना, लंबे वाले हैं मुश्किल। फिर उसके बाद दूसरी बहन के पास गया, वहाँ पर राखी बंधवाई, वहाँ उसे डिब्बा दिया, एक और तीसरी बहन के पास गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा का पूरा व्लॉग अपना बना लिया। ऐसे यहाँ पे बैठ के मैं बीच में रोटी खा रहा था, ये मैंने खाते हुए दिखा दिया, तो ये व्लॉग बन गया। तो ये मिनी व्लॉग बनाना ना बहुत ज़्यादा आसान है। आइए मैं बताता हूँ कि आपको ये कैसे शूट करना। जब भी सुबह के 9 से रात के 9 तक आपको कहीं भी जाना है, या बीच में रात में, मतलब लेट रात भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना कैमरा ओपन करना वीडियो, और ये ऐसे इसे ऑन करके, हाय दोस्तों क्या हाल है, तो यहाँ से शुरुआत हो गई। उसके बाद आप धीरे धीरे सारी क्लिप्स ऐड करते रहना, जैसे जैसे आप जा रहे हो, कि आप सुबह उठे, नहाए धोए, शीशे के सामने खुद को थोड़ा सा दिखाया, घर के बाहर निकले या नाश्ता करा, वो 3 सेकंड दिखा दिया, घर के बाहर निकले, रास्ते में जो जो चीज़ें होती रही, गाय आए, कुत्ते आए, या कुछ खाने आप चले गए, छोले भटूरे की दुकान पर चले गए, शॉपिंग खरीद कर रहे हो आप, सामने जूते की दुकान है, सारी चीज़ के 3-3 सेकंड के, मंदिर गए वहाँ पर दिखा दिया, तो सारी चीज़ पूरे के सुबह शाम तक दिखा देना है। उसके पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन के अंदर होनी चाहिए, स्टेप नंबर 1 ये है। ये इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको एडिट कैसे करना। पर ये जो सारे शॉर्ट्स हैं ना, ये आपके बेहतरीन होने चाहिए। मतलब आप मेट्रो में जा रहे हो,
मेट्रो का गेट बंद हो रहा है, गेट खुल रहा है, वो टाइम लैप्स में दिखाऊं, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए। कि आप रोड पे जा रहे हो, एकदम से किसी के पीछे कुत्ता भाग पड़ा, वो उसे शूट कर लो। मतलब बता रहा हूँ कि कैसे आप इंटरेस्टिंग चीज जब शूट करोगे तो उस पर ज्यादा व्यूज भी आएंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि आपने जैसे पूरे के पूरे गैलरी में आपकी ये सारी वीडियोज है, अब आपको ये एडिट कैसे करनी है। सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, उसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके मैंने वीडियोस पे क्लिक कर दिया और सारी वीडियोस आ गई। तो मैं ना भी एक शादी ब्याह में गया था, वहाँ की क्लिप्स ऐड करते हैं और वहाँ की दिखाता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है, ये मैंने सारी कर दी, ये सारी एक एक करके आ गई। और यहाँ पे कैनवस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना और इसको करना 19:9:16। तो ये इंस्टाग्राम रील वाला ही है, शॉर्ट वाला ही है। तो भाई शॉर्ट का ये भी फायदा है कि आप इसे फेसबुक पे भी डाल सकते हो, इसे यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, इसे इंस्टाग्राम की रील पे भी डाल सकते हो, तीनों जगह से पैसे कमा सकते हो। तो ये भी बहुत फायदा है इसका। तो जैसे आपने इस पर क्लिक करा, कैनवास पे 9:16 पे क्लिक करा, ये सारी की सारी क्लिप चल गई। ये नीचे देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ये पैसे उड़ाने लग रहे हैं लोग अपने। ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर ठीक है, शादी में जाते तो चीज़ें देखने को तो मिलती हैं ऐसी। तो मैं उसके बाद जैसा आपने आगे करा, मुझे पूरी की पूरी क्लिप चलाई और मुझे ये वाला शॉट पसंद आया इस लड़के का, तो मैंने स्प्लिट करा, इधर वाला ये उड़ा दिया 22 सेकंड, इस पर क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर दिया। ये जो आगे नागिन वाला डांस कर रहा है, इसके बाद इसे स्प्लिट कर लिया और इधर वाला डिलीट कर दिया। ऐसे ही ये वाली मैंने ऐसे शूट कर रखी थी, ऐसे शूट करनी है आपको सारी। अगर ऐसे भी बाई चांस शूट हो जाए तो इस पर क्लिक करा, फिर कैनवस पे क्लिक करा और ये फिट में जाके ऐसे यहाँ पे जूम इन कर लिया। जूम इन करने के बाद वो जगह आ गई, देखिए कैसे पैसे लूट रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्लिक कर लिया, जैसे इसमें से ये चीज़ मुझे पसंद आ गई, उसके बाद इसमें से ये चीज़ मुझे पसंद आ गई, ये डांस वाली चीज़ मुझे पसंद आ गई, ये चीज़ मुझे पसंद आ गई, ये एंट्री हो रही है ये पसंद आ गई, उसके बाद ये चीज़, मतलब कुछ भी मुझे पसंद आ गया। उसके बाद अगर इनके पीछे आवाज़ आपको वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर ही करना है, वैसे अपनी आवाज़ डालनी है ऐसे बोल बोल के कि दोस्तों आज ऐसे हुआ। देखिए यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ कैसे। ये म्यूज़िक पे क्लिक करा आपने और रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेड वाले पे आप क्लिक करोगे तो ये इनशॉट एप्लीकेशन ज़्यादा ईजी है, वैसे हाथ बैठ जाता है जिस पर आप करते रहते हो। रेड वाले पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इस पर क्लिक करके आपको बोलना दोस्तों आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुई, उसके बाद मैं यहाँ पे खाने गया, उसके बाद मैंने ये करा, उसके बाद मैं शादी में गया, उसके बाद मैंने अपने दोस्त को देखा, ये हुआ और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, रात हुई, खाना खाया, मम्मी से मिला, इधर उधर गया, दोस्तों से मिला, कॉफ़ी पी, ये चीज़ करी, दोस्तों ने सिगरेट पिलाने की कोशिश करी, मैंने सिगरेट नहीं पी, मतलब कुछ भी आपके जो मन में ब्लॉग में दिल से सच्चे दिल से डाल दो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो। बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा वहीं से ले लेना, नॉन एट्रीब्यूशन वाला म्यूजिक होता है, यूट्यूब स्टूडियो में जाके मिलता है म्यूजिक में, वहां से, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। म्यूजिक पे जाना और यहाँ पे सेव कर लेना इनशॉट में, इस पर क्लिक करके जैसे इंपोर्टेड पे मैंने लगा रखे, इसमें से कोई भी क्लिक करना, जैसे यूज पे क्लिक करा, उसके बाद इसकी वॉल्यूम है वो हल्की सी कम कर देना वरना आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना, 1080 50 FPS इस पर सेव कर लेना और उसके बाद अपलोड करना। चलो लगे हाथ में आपको एक चीज भी दिखा देता हूँ कि शॉर्ट वीडियो पे कितना ज्यादा पैसा आएगा अगर आप ऐसे अपलोड करोगे तो। तो 8.5 मिलियन व्यूज आ रखे हैं 8 महीने में, 324K लाइक्स आ रखे हैं, 1000 कमेंट्स आ रखे हैं। अब इस 8.5 मिलियन पे कितने पैसे बने आओ दिखा दो एक वीडियो के। इस पर क्लिक करा, यहां पे हमने क्लिक करा 8.5 मिलियन, इस पर 20,000 सब्सक्राइबर्स मुझे मिले, मतलब एक वीडियो से 20,000 सब्सक्राइबर्स बढ़े, वाह। 4,500 रुपए की अर्निंग हुई बस एक वीडियो से, 4,500 रुपए कमाए बस। इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ज्यादा पैसा, अगर इतने लॉन्ग में आए होते व्यूज तो 4,500 की जगह 4,00,000 हो गए होते। तो ठीक है, शॉर्ट वीडियो इजिली बन गई, जल्दी भी एडिट हो गई, पर दिन में 10 शॉर्ट डालोगे तो कितने हो गए, 40,000 रुपए, अगर इतने व्यूज सब पाए तो। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी जो शॉर्ट वीडियो है वो कैसे अपलोड करनी है जिससे ज्यादा रीच आए, जिससे ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े, जिससे ज्यादा मिलियंस में व्यूज आए। ये प्लस वाला पहले एप्लीकेशन खोल लेना है, प्लस वाला साइन है, इस पर क्लिक करना, ये शॉर्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना, ऊपर जो 15 है ना इसको कर लेना 60, ऐड पे क्लिक करना, फिर ऐड पे क्लिक करके वो वीडियो चूज कर लेना जो आपको डालनी है। जैसे मैंने अभी मोदी जी से मुलाकात हुई वो वाली वीडियो मैंने व्लॉग बना रखा, आप ध्यान से देख सकते हो कैसे कैसे मैं मिला। तो ये मैंने स्लो करा, फास्ट करा,
उसके पीछे ऐड करी वॉइस, ये सारी चीज देख सकते हो आप मेरे चैनल पे, देखना मैंने कितना अच्छा एडिट करा है। उसके बाद मैं एक के बाद एक क्लिप्स ले जा रहा हूँ, जब एकदम से फटाफट अलग अलग क्लिप आती है ना तो इंटरेस्टिंग लगता है वो व्लॉग। उसके बाद मैं देखो डन करना है आपको, डन करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे नीचे टिक पे। उसके बाद यहाँ पे साउंड ऐड कर सकते हो, साउंड पे क्लिक करके कुछ भी कर सकते हो, जैसे हमने ये वाली साउंड करी ऐड। उसके बाद ये जो साउंड है यहाँ से नीचे लिखा है वॉल्यूम, ये ओरिजिनल साउंड है जो आपकी वीडियो की है, ये नीचे इस गाने की है, इसे 20-30% कर लेना वरना ओरिजिनल नहीं सुनाई देगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है ऊपर से दोबारा, और उसके करने के बाद आती है मेन चीज़ जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आपको अपलोड कैसे करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्शन सोच लेना है वीडियो का कि क्या कैप्शन रखना है क्या नहीं रखना, और कैप्शन मतलब जो टाइटल रखोगे वो ऐसा इंटरेस्टिंग रखना कि जनता जो सबसे ज़्यादा सर्च करती है, कि जैसे मोस्ट अफोर्डेबल बाइक, सबसे सस्ता फ़ोन, तो मतलब ये चीज़ें सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है, अपने दिमाग से लगा के सोचना। तो कैप्शन में हम लिख देते हैं मोदी जी से हुई मुलाकात, ठीक है, शिवम मलिक शॉर्ट्स, इस वजह से कि कोई शिवम मलिक सर्च करेगा तो ये वीडियो आएगी। तो अब ये नीचे रिलेटेड वीडियो जो लिखी हुई है ना, इस पर क्लिक करोगे तो लंबी वीडियो या छोटी वीडियो कोई भी चूज कर सकते हो आप। तो जब ये वीडियो चलेगी आपकी नीचे रिलेटेड वीडियो में दूसरी वीडियो शो होगी, तो इसमें व्यूज आएंगे तो दूसरी वीडियो में भी शो आएंगे, वीडियो में व्यूज आएंगे। अगर हैशटैग आपको और ज्यादा यूज करना है तो rapidtax.io है, वहां से जाके भी आप यूज कर सकते हो। आओ मैं सिखाता हूँ आपको कि rapidtax.io से आप कैसे हैशटैग निकालोगे और कैसे इस वीडियो के अंदर डालोगे। rapidtax.io में गए, यूज टैग जनरेटर में गए, उसके बाद यहाँ क्लिक करा, जैसे मोदी जी पे वीडियो है तो नरेंद्र मोदी, तो ये सारे आ गए ट्रेंडिंग हैशटैग, ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ऐसी लॉन्ग वीडियो में पेस्ट कर दो। जब आप इन्हें पेस्ट कर दोगे तो उसके बाद कोई ये सर्च करेगा, ये लॉन्ग वीडियो में पेस्ट होंगे और इसमें एक एक करके करना होगा, जब ये कोई सर्च करेगा तो आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप आएगी। उसके बाद इसे पब्लिक कर देना वीडियो को, ज़्यादा इतना मुश्किल गेम नहीं है। तो अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर मैं बताऊँगा कि एक व्यू पे कितने पैसे आते हैं यूट्यूब से, अगर वीडियो बनाते हो आप 1 मिलियन पे कितने पैसे आते हैं, 1 लाख व्यूज पे कितने पैसे आते हैं, और तरीका बताऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त जो आज तक नहीं बताया, टॉप सीक्रेट बचा के रखा था मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखना अपना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबके साथ कि लोगों को हेल्प मिल पाए अगर वो अपना यूट्यूब का चैनल बनाना जा रहे हैं।